तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE इंडियन यूजर्स के लिए जून 2023 का अपडेट आ चुका है, लेकिन ये अपडेट करने से पहले ऑनेस्टली मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। हाँ, क्योंकि रीजन आई होप आप लोगों को पता होगा अगर आपने मेरे इस वाले वीडियो को देखा होगा। तो इंडिया में गैलेक्सी S21 सीरीज में अपडेट आने के बाद जो डिस्प्ले लाइन इशू है वो हमें देखने को मिला है, और इंडिया में अब तक ऐसे 3 केसेस सामने आया है डिस्प्ले लाइन इशू देखने को मिला है जून 2023 के अपडेट आने के बाद, जिनमें से सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा एंड गैलेक्सी S21 प्लस डिवाइस मौजूद है। और लास्ट 3 महीने से अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो एकदम हमें लास्ट में देखने को मिला है। अप्रैल के महीने में भी हमें एकदम लास्ट में जाके अपडेट मिला था, मई के महीने में एकदम लास्ट में मिला था, और अगर मैं इस अपडेट की बात करूं तो ये भी एकदम लास्ट में जाके देखने को मिला है। आज आपका 26 जून हो गया, तो 26 जून को हमें ये अपडेट देखने को मिला है। और इसका जो पहले वाला मई के महीने का अगर मैं बात करूं अपडेट, तो वो 29 मई को आया था, और इस बार अपडेट का जो पैकेट साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तकरीबन 470 MB का। लास्ट टाइम तो ये कम था, 233 MB के आसपास। और इस अपडेट की चेंज लॉग की बात करूं तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन इंप्रूव्ड, द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन इंप्रूव्ड, तो यही चीजें मेंशन है। तो इसे अपडेट करते हैं, अपडेट करते हैं कि क्या इसमें देखते हैं कि क्या इसमें लाइन को इशू है या नहीं। और यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि मेरे फोन के अंदर कोई भी डिस्प्ले लाइन इशू नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी कैमरा में रिकॉर्ड करके ही इस अपडेट को कर रहा हूं। तो डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है, अब इसे अपडेट करते हैं। जय माता दी। 20% से बैटरी कम है, इसीलिए ये अपडेट अभी नहीं होगा। तो कुछ टाइम तक मैंने चार्ज में दिया, 28% हो चुका है, एंड अभी इसे इंस्टॉल करते हैं। जय माता दी। तो फोन यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, देखते हैं। सबसे पहले इसी चीज को हम चेक करेंगे। नहीं आया है। हालांकि फोन के अंदर अभी तो सब कुछ चीजें सही है, सही से अपडेट भी हो चुका है, कोई भी लाइन भी नहीं देखने को मिला है, लेकिन स्टिल कुछ कह नहीं सकते। आपके पास S21 FE है तो आप एटलीस्ट 3-4 दिन का वेट करो, इसके बाद ही आप अपने फोन को अपडेट करना। और अगर आपका फोन वारंटी में है मेरी तरह, तो आप रिस्क लेके अपडेट कर सकते हो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। और कुछ दिन से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक लाइन हमें देखने को मिल रहा है अमेजोन एप्लीकेशन के अंदर, जबकि ये अमेजोन का एप्लीकेशन ये अपडेटेड है, और अगर मैं अपने दूसरे फोन की बात करूँ तो ये भी अपडेटेड है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी लाइन नहीं है। और ये चीज ना सिर्फ इसी जगह पे है, अगर मैं अमेजोन पे के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो लाइन नहीं है, सिर्फ इसी फोन में है एंड इसी एप्लीकेशन के अंदर है। एंड जिसके बाद ही मैंने इस स्क्रीन चेकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देखा कि क्या कोई लाइन इशू तो नहीं आया है फोन में, तो जी नहीं, शायद कोई कंपेटिबिलिटी इशू होगा अमेजोन एप्लीकेशन के अंदर सैमसंग के साथ, जिसके कारण ये चीज आया है। एंड अगर आपके फोन में अमेजोन का एप्लीकेशन है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको भी ये लाइन देखने को मिल रहा है या नहीं। एंड अभी तो मैंने अपडेट किया, अभी कुछ दिन समय लेगा, इसके बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा हीटिंग इशू कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है। एंड काफी सारे लोगों लास्ट मंथ की अपडेट की वीडियो बनाया था, वहां पे काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे चार्जिंग टाइम है वो इंक्रीज हो चुका है, तो मैंने भी नोटिस किया था कि हां थोड़ा सा चार्जिंग टाइम इंक्रीज हुआ है, और इस अपडेट को करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप 3-4 दिन वेट कर लेना, एंड अगर आपका फोन वारंटी में है तभी आप इसे अपडेट करना। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, साथ ही साथ iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।